beautiful people, welcome back to my channel in Be Beautiful with Neelam. So friend, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि काजल कैसे लगा सकते हैं perfectly. अगर आप daily base पे काजल लगाना पसंद करते हैं, जैसे कि मुझे पसंद है, and अगर आपको thick काजल लगाना पसंद है, मोटा काजल लगाना पसंद है, तो ये video आपके लिए है. And ये वीडियो उनके लिए भी है जो बिगिनर्स हैं, जिनको काजल लगाने में प्रॉब्लम होती है एंड वो अच्छी परफेक्टली वो लुक अचीव नहीं कर पाते. सो मैं बहुत ही सिंपल एंड इजी स्टेप में आपको बताऊंगी कि कैसे हम काजल अप्लाई कर सकते हैं. साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि काजल को कैसे स्मज प्रूफ रखा जा सकता है ऑल डे. एंड दैट्स इट. चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सो फ्रेंड, जो सबसे पहला स्टेप है वो है फेस पाउडर अप्लाई करना. फेस पाउडर हम अपने आईज के चारों तरफ अच्छे से अप्लाई कर लेंगे. इससे क्या होगा कि जो भी काजल हम अप्लाई करेंगे वो स्मज नहीं होगा, फैलेगा नहीं. चाहे आप कोई भी काजल आप अप्लाई कर ले, सबसे पहले हमें पाउडर को अच्छी तरीके से सेट कर लेना है अपने आईज के चारों तरफ. जो सेकेंड स्टेप है वो है आप किसी कॉटन टिश्यू से या फिर आप चाहे तो ईयरबड से, जो आपका आई वॉटर आईलाइन होता है, जो वॉटर लाइन होता है अपने आईज का, उसको हमें पोंछ लेना है. इससे क्या होगा ना कि एक्सेस जो वॉटर होता है हमारे हमारे वॉटर लाइन पे वो ऑब्जर्व हो जाएगा अच्छे से एंड वो एरिया ड्राई हो जाएगी. एंड ड्राई होने की वजह से अच्छे तरीके से काजल अप्लाई होगी. कई बार ऐसा होता है कि हमारे वॉटर लाइन इतने ज्यादा वॉटरी हो जाते हैं कि काजल उसके ऊपर अप्लाई ही नहीं हो पाता है. सो अब हमें काजल अप्लाई करना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सही तरीका कि कैसे काजल अप्लाई करते हैं. काजल अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे फेसेस का मैग्नेटाइज काजल यूज कर रही हूँ. बहुत ही सही काजल है एंड मैट है एंड बहुत ही अफोर्डेबल भी है. अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा. सो काजल है एंड अब हम अप्लाई करेंगे. सबसे पहले अपने हाथ से आईज को थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह से खींच लें. उसके बाद हम आउटर कॉर्नर से लेके हम इनर कॉर्नर की तरफ लेके आएंगे. हम इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ नहीं लेके जाएंगे. सो उसी तरह से दूसरे आईज में भी हम काजल अप्लाई कर लेंगे. तो फ्रेंड, काजल अप्लाई करने के बाद अपने जो इनर कॉर्नर होते हैं आईज के उसको फिल करना मत भूलिएगा. कई लोग होते हैं कि काजल अप्लाई कर लेते हैं बट जो इनसाइड एकदम जो कॉर्नर होता है उनको फिल नहीं करते हैं काजल से, तो उसको अच्छे तरीके से फिल कर लीजिएगा. इससे क्या होता है कि आईज को बहुत ही अच्छा शेप मिलता है एंड डायमेंशन मिलता है एंड आईज बहुत ही खूबसूरत लगती है दिखने में. तो जो थर्ड स्टेप जो हमारा होगा वो होगा जो अपर आईलैशेस के जो लाइन है हमें उसको टाइट लाइन करना है. सो उसको टाइट लाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हाथ से अपने अपर लैश को इस तरह से हम पकड़ लेंगे एंड उसके बाद हम इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रोक्स में फिल करेंगे. ये देखिए ये आइस कितना अच्छा लग रहा है दिखने में एंड ये आइस कैसा लग रहा है. सो एक डायमेंशन सब मिल गया है. आप कब जब भी काजल अप्लाई करें अपने आइस को टाइट लाइन करना मत भूलिएगा. इससे क्या होता है कि आपको आईलाइनर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड आइस बहुत ही ओपन अप लगता है एंड दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है. सो सेम मैं इस आइस में भी कर लूंगी. ये तो हो गया नॉर्मली काजल लगाने का तरीका. अब बहुत लोगों को मोटा थिक काजल लगाना बहुत पसंद है, जैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब
आदत ठीक होती है एंड आईज आईज को एक बहुत ही बोल्ड सा लुक मिलता है। उसके बाद हमें ज्यादा हैवी मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आईज ही बहुत ही खूबसूरत लगती है। सो कैसे लगाते हैं एकदम मोटा ठीक काजल, चलिए देखते हैं। सो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें अगेन अपने हाथ से इस तरह से हमें अपने आईज को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लेना है एंड देन अगेन हम आउटर कॉर्नर से ही लेके थोड़ा सा नीचे की तरफ से हम काजल अप्लाई करेंगे। एंड अगर आपको पूरा स्ट्रोक लेने में एक साथ प्रॉब्लम है तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स में लीजिएगा, उससे काजल फैलेगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड, ये आईज मेरी कितनी ओपन अप एंड बड़ी लग रही है जब जब मैंने थिक काजल अप्लाई किया एंड ये आईज मेरी थोड़ी सी छोटी लग रही है। सो अगर आप थिक काजल अप्लाई करेंगे तो आपकी आईज खूबसूरत दिखने के साथ साथ बड़ी भी दिख रही है, पर देख सकते हैं अच्छे तरीके से मेरी ये आईज स्मॉल लग रही है एंड ये आईज ओपन अप बिग लग रही है। सो इसी तरीके से मैं इस आईज में भी काजल को मोटा और गाढ़ा कर लूंगी, थिक कर लूंगी। सो फ्रेंड, आई होप आपको मेरे काजल लगाने का तरीका पसंद आया होगा। आप देख सकते हैं मेरी आईज कितनी ब्यूटीफुल लग रही है एंड बोल्ड लग रही है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे और मेकअप वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अपने आई मेकअप कंप्लीट करने के लिए आप चाहे तो आईलाइनर एंड मस्कारा आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, अपने आईब्रोज को फिल करना मत भूलिएगा, उससे क्या होता है कि पूरी अच्छी तरीके से आई लुक मिल जाती है। सो फ्रेंड, काजल अप्लाई करने का तरीका तो आपने देख लिया कि किस तरह से मैंने अप्लाई किया है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैंने बताया कि कैसे नॉर्मल काजल लगाया सकता है एंड कैसे आप थिक एंड बोल्ड काजल, मोटा गहरा काजल लगा सकते हैं एंड कैसे अपने काजल को ऑल डे लॉन्ग एंड मैट एंड स्मच प्रूफ रख सकते हैं। सो या दैट्स इट, आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड आई एम टेकिंग अ लीव नाउ। बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू बी ब्यूटीफुल। सी या।